जिसके लिए मैं अपना घर परिवार राज्य सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, वो तो मेरे लिए यहाँ आया भी नहीं। विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ, किंतु उस समय कुमार वासु ने मेरी सहायता की। यदि वो ना होते तो मैं उस विश्वासघात से ऊपर ही नहीं पाती। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो सत्य तो ये होता है कि हमारे नेत्रों के साथ किसी ने विश्वासघात किया होता है। कहना क्या चाहते हैं आप भार्गवी? कभी कभी क्या होता, बड़ा ही कठिन समय आ जाता है हमारे जीवन में, तब हम समझ ही नहीं पाते कि उचित क्या है अनुचित क्या है। बस ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जैसे अभी हो रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है कि राजकुमार वासु ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ भी पाएंगे या नहीं, चढ़ भी पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता उनका संतुलन ठीक है ही नहीं। गोविंदराज, आपको एक कार्य करना है, दाव लगाना है राजकुमार वासु पर कि वो मटकी तोड़ सकते हैं, समझ गए? क्या क्या कह रहे हो तुम? वासु पर दाव? अब इतने प्रश्न मत कीजिए, बस मेरी बात मानिए ना, जैसा मैं कह रहा हूँ कहिए। अरे श्री मैम, अगर काय मनते मला ऐकू नहीं येते, यहाँ पे बहुत शोर है ना, समझ नहीं आ रहा है क्या कह रही हो तुम भारिया, कहो ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मटकी है ना, ये एकमात्र राजकुमार वासु ही तोड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? क्यों, देखिए कितने हृष्ट पुष्ट हैं, कितना आत्मविश्वास है उनमें। कुछ अधिक है। और जिस प्रकार वो इस समय गए हैं, अब तो लगता है वो मटकी तोड़कर ही आएंगे। परंतु मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो ये कार्य कर सकते हैं, उनमें वो संतुलन नहीं है। भार्गवी, तुम्हाला काय वाटतं, वो ऊपर चढ़ के मटकी तोड़ पाएंगे? हो सांगा ना। मुझे नहीं पता तोड़ पाएंगे या नहीं। असा, तो आपको इन पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास की कोई बात नहीं है। बिल्कुल बात है, नक्की था है। आपने तो हमसे कहा कि उन्होंने आप पर बहुत उपकार किए हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी के लिए जो अच्छा करता है ना, तो काय होता महती है, हमें उन पर थोड़ा विश्वास हो जाता है। कहेगा शत प्रतिशत ठीक, पता चल ही जाएगा ना, समय के साथ सब कुछ ज्ञात हो ही जाएगा। महादेव, वेंकटेश और भार्या के बीच में तो दाव लगा है इस बात को लेकर कि वासु मटकी फोड़ पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है महादेव, कौन जीतेगा ये दाव? मुझसे ये प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है गौरी, क्योंकि मेरा मत तो सदैव मेरे आराध्य के साथ ही है। हाँ, दाव कौन जीतेगा ये जानने का आनंद तो प्रतियोगिता को अंत तक देखने में ही आता है। अब ये दाव श्रीनिवास जीतते हैं या गोविंदराज, ये जानने के लिए हमें वासु का प्रदर्शन भी अंत तक देखना होगा। कुमार वासु तो अपना संतुलन खो रहे हैं। अब भी लगता है तुम्हें भार्या कि ये मटकी तोड़ सकते हैं? हम्म,
राजकुमार आप ठीक तो हैं? हाथ दीजिए हाथ दीजिए। अरे जल्दी आओ, उठा था उनको, आराम से आराम से। मैंने कहा था भरा इतना दे। माहिप ने आप गई नहीं, आपने तो कहा था कि वासु ने बड़े उपकार किए हैं आप पर, हो कि नहीं? ओ, बोले होते। और जब वो गिरे तो आप गई नहीं उनकी सहायता करने, देखने की वो ठीक है या नहीं? ठीक ठीक काई ठीक है, तुम तो दाव हार गई। तूने तो दाव लगाया था कि राजकुमार वासु जीतेंगे, ऊपर चढ़ के मटकी तोड़ेंगे, माखन निकालेंगे, वो तो गिर गए। हाँ गिर हाँ गिर गए। बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि वो ना मैं ये दाव हार गई। ठीक है, दुख को संभाल के रखो, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब मुझे लगता है कि एक और प्रयास तो बनता है। अब मुझ पर दाव लगाइए, अब मैं जाऊंगा और उस मटकी को तोड़ूंगा। क्या काहे काहे बोलता है तुम्हें, ये इतनी ऊंचाई पर आप कैसे जा पाएंगे? सरलता से। अरे मुझे माखन खाना इतना प्रिय है, बरोबर है कि नहीं? बरोबर। तो ऊपर चढ़ना कितना कठिन होगा, मैं जाऊंगा और तोड़ के आऊंगा। है ना, विश्वास छो। हो सके तो मुझ पर दाव लगाना, विश्वास तो है ना कि मैं तोड़ दूंगा। मैं क्यों विश्वास रखूं कि आप मटकी तोड़ेंगे या नहीं? जब कोई व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कुछ भी करके आपके मुख पे मुस्कान ले आ सकता है तो उस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। कहेगा बराबर बोलता है, क्योंकि ये विश्वास ही हर संकट का अंत है, हर दुविधा का हल है, हर दुख का अंत है, हर नए जीवन का प्रतीक है। ये विश्वास ही प्रेम है भार्गव। प्रेम? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ विशेष करते हो ना, तो मन में कुछ विशेष भावनाएं भी जागती हैं, और जब मन में विशेष भावनाएं हो तो उस पर विश्वास भी होगा ही। अब क्या है कि जीवन में संकट आए, समस्याएं आई, विपदाएं आई, इन सभी कारणों से विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है सदैव अपने मन की सुनना, किसी और की या संसार की नहीं। समझ ला? अब देखना जाके मटकी कैसे तोड़ता हूं। बग्ग भार्या आलो मी। वाह, बहुत लंबा समय हो गया मटकी तोड़कर माखन नहीं खाया है। आज अवसर मिला है तो अवश्य ये माखन मैं खाऊंगा। चलो पुनः एक बार प्रयास करते हैं।